दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 17 साल बिताने के बाद भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन हरफन मौला खिलाड़ियों में से एक ने सोमवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। युवराज ने यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अपने भावनात्मक स्पीच में कहा कि उनके पास आज जो कुछ भी है क्रिकेट ने दिया है और क्रिकेट की ही वह वजह है जिसके कारण वह आज यहाँ बैठे हैं। अपनी स्पीच के अंत में युवराज ने अपने इस शानदार सफर के लिए परिवार और खासकर माँ का धन्यवाद दिया। युवराज ने कहा, मैं अपने परिवार खास तौर पर माँ का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज मेरे साथ यहाँ मौजूद है। मेरी माँ हमेशा से मेरे लिए शक्ति का स्रोत रही है और इन्होंने मुझे 2 बार जन्म दिया है। युवराज सिंह ने अपनी पत्नी हेजल कीच का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी ने कठिन समय में मेरा साथ दिया है। मेरे करीबी दोस्त जो मेरे कारण बीमार पड़ जाते थे लेकिन इसके बावजूद हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मैं जिन लोगों से प्यार करता हूँ आज वे सब मेरे साथ हैं सिवाय मेरे पिता के, इसलिए मेरे लिए आज से ये आगे बढ़ने का सबसे अच्छा समय है। युवराज ने कहा, 2011 विश्व कप जीता, 4 बार मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। इसके बाद मुझे पता चला कि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ। उस सच को मैंने आत्मसात किया और जब मैं अपने कैरियर के सर्वोच्च मुकाम पर था तभी ये सब हुआ है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।